हैं हरियाणा हलचल, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि गुड़गांव से आ रही है, जहां पर गुरुग्राम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज गुरुग्राम दौरे पर है। सुशासन के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को वो संबोधित करने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम दौरे पर है, हीपा आवासीय कॉलोनी का भी वो शुभारंभ करेंगे, आधारशिला उनकी ओर से रखी जाएगी और हीपा परिसर में ही गुरुग्राम के सेक्टर 45 में कॉलोनी बनेगी। तो सुशासन एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे, मुख्यमंत्री हीपा परिसर में ही आवासीय कॉलोनी की आधारशिला भी रखेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम 11:30 बजे उद्योग विहार स्थित HSIIDC ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना पर आयोजित की जा रही कार्यशाला में भी हिस्सा लेने वाले हैं। और इसी के साथ दोपहर 1:30 बजे करीब सीएम महोदय 52 और 53 54 में बनाई गई हरियाणा फ्रेश मार्केट को लॉन्च करेंगे। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री नगर निगम सेक्टर 10 और साथ ही साथ सेक्टर 52-53 के सिटी बस सेवा के डिपुओं की भी आधारशिला रखने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुलशन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, सीएम मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम दौरे पर हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगभग आज आधा दर्जन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जो कि पहला कार्यक्रम उनका 10:30 बजे का था, क्योंकि 11:30 बजे मुख्यमंत्री सेक्टर 18 के हीपा में एक नागरिक केंद्रित प्रशासन तथा सुशासन, ये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि पहले कार्यक्रम में अब पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और इसके बाद 11:30 बजे हीपा में ही सेक्टर 45 में एक आवासीय कॉलोनी जो है हीपा की बननी है, आज उसका भी आधारशिला मुख्यमंत्री हीपा में ही रखेंगे जी। और उसके बाद 1:30 बजे मुख्यमंत्री सेक्टर 46 में एक नगर निगम गुरुग्राम और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एक हरियाणा फ्रेश मार्केट जो है लॉन्च की गई है, जिसमें किसान जो है अपनी फ्रेश सब्जियां आकर के खुद ग्राहकों को बेच सकेंगे। हालांकि इससे पहले किसान जो है अनाज मंडी में या मंडी में जाकर के सब्जियां जो है देते थे और सीधा ग्राहकों को नहीं देते थे, वो सीधा एक दलाल के माध्यम से बेची जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर सीधा वो ग्राहकों को बेच सकेंगे। और उसके बाद तुरंत नगर निगम द्वारा एक सेक्टर 10 में और सेक्टर 52 और 53 में एक सिटी बस सेवा के डिपो की भी आज आधारशिला रखी जाएगी, क्योंकि काफी समय से गुड़गांव सिटी बस की एक डिपो बनना था, वो अब सेक्टर 10 और सेक्टर 52 और 53 में यहाँ पर उसका डिपो रखा गया और आज उस डिपो की भी आधारशिला यहाँ मुख्यमंत्री रखेंगे। बिल्कुल, तो गुलशन, और क्या कुछ खास इस दौरे में रहने वाला है मुख्यमंत्री के? देखिए, मुख्यमंत्री आज लगभग आधा दर्जन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुड़गांव में कल भी मुख्यमंत्री गुरुग्राम में ही थे, उन्होंने कल भी खुद कई कार्यक्रम में शिरकत की थी, तो आज भी की है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में ज्यादा मुख्यमंत्री आजकल समय दे रहे हैं। हालांकि पहले से ही अभी अंडर पास जो है गुरुग्राम में बने थे, राजीव चौक, इफ्को चौक, सेक्टर सिग्नेचर टावर, ये तमाम मुख्यमंत्री उन जगह पर आजकल कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां पर लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके और कुछ अलग से जो है, जिससे वैसे सिटी बस सेवा गुरुग्राम में शुरू होनी थी उसकी भी अब जो है आधारशिला रख दी है, किसानों के लिए भी एक हरियाणा फ्रेश मार्केट अलग से दे दी है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब गुरुग्राम में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि पिछली सरकारों में गुरुग्राम की अनदेखी की गई। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री गुरुग्राम की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम अपडेट के लिए। तो सुशासन के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं और हीपा हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान सीएम फिलहाल पहुंच चुके हैं। चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो कि फतेहाबाद से आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज भी जारी है और 18 दिन हो गए हैं प्रदर्शन उन्हें करते हुए, 18वें दिन भी उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। और बुधवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स भीख मांगकर उन्होंने प्रदर्शन किया था, भीख मांगकर सरकार के लिए उन्होंने धन जुटाया था और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 18वें दिन भी उनका प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होली दहन करेंगे, तो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आंगनबाड़ी हर्कर्स कर रहे हैं और इसे लेकर लगातार उनका प्रदर्शन जारी है।
और हेल्पर्स का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन 18वें दिन जारी है। उनका कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता इसी तरीके से वो प्रदर्शन करते रहेंगे। भीख मांगकर उन्होंने अपना रोष जाहिर किया। सरकार के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और कार्यकर्ता जो है होलिका दहन करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र मोंगा फतेहाबाद से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी है, क्या कुछ अपडेट है? लगातार इनका प्रदर्शन जो जारी है और आज इनकी ओर से जो होली दहन किया जाना है जिसके अंदर की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो मंत्री है कविता जैन उनका पुतला जो है वो जलाया जाएगा और लगातार नए नए तरीकों से कटाक्ष करके जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की प्रयत्न कर रही है। हाँ, तो अलग अलग तरीकों से जो है अपनी बात को अपनी मांगों को कह सकते हैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भीख भी इन्होंने मांगी है। 18 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए, अभी तक क्या इनकी और कोई ध्यान दिया गया है? सरकार की ओर से फिलहाल इस मामले में चुप्पी साधी गई है और आज फतेहाबाद से अगर बात की जाए तो 19 दिन इनके प्रदर्शन धरने प्रदर्शन को हो चुके हैं और जाना कल भी इनके द्वारा जो भीख मांगी गई थी तभी सरकार का खजाना भरा जा सके कटाक्ष सरकार पर किया गया था और आज ये जो होली दहन किया जा रहा है और जो परसों इनके द्वारा होली खेलकर अपनी एकता को दर्शाया जाएगा। तो नित्य जो नए नए तरीकों से ये प्रदर्शन जो कर रही है। तो जितेंद्र, आंगनबाड़ी वर्कर्स का क्या कुछ कहना है अब अपनी मांगों को लेकर? उनका साफ तौर पर यही कहना है भी लगातार उनका आंदोलन जो जारी रहेगा, सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है लेकिन जब तक उनकी एकता है सरकार को उनकी सुनवाई जो करनी उचित मानते हैं जो मुख्य मुद्दा है उसको हल करने की बात उनकी ओर से लगातार सरकार पर पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है, 18वें दिन भी उनका प्रदर्शन जारी है। भीख मांगकर उन्होंने अपने प्रदर्शन को अपने रोष को जाहिर किया है और कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके अपनाकर वो अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए और उनकी मांगों की पूर्ति जो है वो सरकार करे। लेकिन सरकार अभी तक इस पूरे मामले को देखते हुए चुप्पी साधे हुए है जिसे लेकर जो वर्कर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनमें रोष बना हुआ है। इंद्री के गांधीनगर गांव के प्राइमरी स्कूल में बिजली न आने के कारण अध्यापक और बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफी परेशानियां उन्हें हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल की तरफ से बिजली का बिल जमा नहीं कराया गया जिस कारण बिजली विभाग ने स्कूल का बिजली का कनेक्शन काट दिया है और इसी वजह से काफी दिक्कतों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। बिजली कट जाने से स्कूल में पानी और अन्य सुविधाएं भी अब बंद हो गई हैं। छात्रों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा और छात्रों के लिए बनने वाले मिड डे मील के लिए भी मिड डे मील वर्कर्स को भी धक्के जो है वो खाने पड़ रहे हैं। गांव की पंचायत की ओर से भी बिजली बिल की राशि अदा ना करने से परेशानी और बढ़ गई है। वही बार बार सूचित करने पर भी शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई भी एक्शन इसे देखते हुए नहीं कर रहे हैं, कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की जा रही है लेकिन अब तक कोई भी समाधान इस समस्या का नहीं हो पाया है। तो बिजली कनेक्शन कटने से स्कूल में पानी की सुविधाएं बंद हो गई हैं, बार बार सूचित करने पर भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में शिक्षा विभाग की बड़ी अनदेखी या फिर कहें कि बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली कनेक्शन कट गया है, अभी तक बिजली का बिल अदा नहीं किया गया है जिसकी वजह से पानी की सुविधा जो है वो बंद हो गई है। अन्य सुविधाओं की बात करें तो वो मिल नहीं पा रही हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए इंद्री से हमारे संवाददाता मेनपाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से बिजली कनेक्शन कट गया है अभी तक उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो गांधीनगर गांव की घटना है और इसकी प्राइमरी स्कूल है और जो कि बिजली का बिल अदा न करने की वजह से और बिजली विभाग के लोगों ने मीटर का कनेक्शन वहां से काट दिया गया और स्कूल की तरफ जो बिल पेंडिंग था वो 27,000 रुपये पेंडिंग था और शिक्षा विभाग को जो अध्यापक है उन्होंने लेटर भी लिखा था कि यहाँ से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है और बच्चों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है और जो यहाँ से बिजली की अगर बात की जाए तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी बाधित हो रही है और जो सरकार की तरफ से दिक्कतें जो है बच्चों को हो रही है, टीचर्स को हो रही है। आपसे और भी अपडेट लेंगे। इसी के साथ राम कुमार शिक्षा अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। हेलो जी राम कुमार जी, जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल में ये बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, बिजली का बिल भरा नहीं गया है और बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? ये मैडम ऐसा है, केवल हमें 3,000 रुपये मिलते हैं एक साल के और ये पिछले साल से क्या कई साल से ये बिल स्कूल के द्वारा नहीं भरा गया।
और स्कूल भी कहाँ से भरे, वहाँ पर कोई ऐसा फंड भी नहीं होता और डिपार्टमेंट से इसका कोई हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ, इसका कोई सैंक्शन या। तो रामकुमार जी, अगर स्कूल का बिल, बिजली का बिल जो है कोई भर नहीं सकता है, इतना बजट नहीं है, तो इस ओर कौन ध्यान देगा? इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी परेशानी उन्हें हो रही है, पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये तो ये कुछ सरकार की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जी, क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है तो कुछ तो छूट मिलनी चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। कुछ उनको बार बार रिक्वेस्ट करी, उन्होंने नहीं माना और बिजली का कनेक्शन काट दिया। तो राम कुमार जी, आपकी ओर से रिक्वेस्ट की गई है, आपने पत्र लिखा अपनी समस्या को लेकर? ये डिपार्टमेंट जितने भी इस तरह के हैं, हमने सभी लेटर ऊपर बजट के लिए या इनकी कोई सैंक्शन मिल जाए उसके लिए भेज रखा है जी। तो अगर आपने लेटर भेज रखा है, अभी तक उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया है, क्या उसे लेकर कोई कदम नहीं है सरकार की ओर से उठाया गया है? कुछ नहीं आया जी उसके बारे में, बजट केवल 3,000 रुपए जो रेगुलर जैसे आता है वो ही आया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया जी। तो राम कुमार जी, कब से इस तरीके की लापरवाही जो है स्कूल में देखने को मिल रही है, कब से जो है बिजली का बिल नहीं भरा गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें दिक्कतों की जो है सामना करना पड़ रहा है, पानी की सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो स्कूल में मैडम जी मैंने तो यहाँ पर अभी सेप्टेम्बर 2017 में ज्वाइन किया है, मेरे को तो अब नॉलेज में आया था ये स्कूल का 27,000 लगभग 28,000 बिजली का पेंडिंग है। तो इतना तो बजट एकदम डिपार्टमेंट से नहीं मिला हमें और इसलिए उन्होंने। तो राम कुमार जी, थोड़ा थोड़ा करके बिल की अदायगी क्यों नहीं की गई कि ऐसा एकदम से हुआ कि बिल का कनेक्शन बिल भरने की वजह से कनेक्शन काटना पड़ा? डिपार्टमेंट वाले हाँ जी इसे वो मानने को तैयार नहीं थे, बाकी हमने पार्सल इसको छोटी छोटी अमाउंट में करने के लिए भी उनको कहा लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। चलिए राम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो बार बार सूचित करने पर भी अधिकारी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्कूल में कई तरीके की जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है, पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से काफी परेशानियां जो है वो बच्चों के सामने आ रही है, लेकिन इस लापरवाही की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो कि चरखी दादरी से आ रही है, जहां पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज दादरी में रहेंगे, दोपहर बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स के धरने को वो समर्थन देने वाले हैं, 3 बजे गांव इमलौटा में आयोजित कुश्ती दंगल में भी वो शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दोपहर बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स के धरने को वो समर्थन देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से लगातार धरना दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, अलग अलग तरीके वो अपना रहे हैं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, उसी में समर्थन देंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य कुमारी शैलजा मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के बदले की भावना से इस्तेमाल करने के आरोप लगा चुकी हैं। बुधवार को हिसार के उकलाना में उन्होंने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर अपने राजनीति हित साधने के लिए कर रही हैं और लोग देश की जनता का पैसा खाकर विदेश भाग जाते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल के बच्चियों से रेप करने पर फांसी की सजा को मंजूरी पर शैलजा ने कहा कि कानून तो पहले भी बहुत है लेकिन उनकी अनुपालना नहीं हो पा रही है। तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जनता का पैसा ढकार कर विदेश जो है भाग रहे हैं व्यापारी, जनता का पैसा हथियाकर वो विदेश भाग जाते हैं, उन्हें लेकर किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। कुमारी शैलजा ने ऐसे आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं और कहा है कि जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, पहले भी कानून बने हुए हैं लेकिन उनकी अनुपालना ठीक ढंग से नहीं हो पाती। कानून क्या हमारे पास पहले नहीं है? कानून हमारे पास है, क्या उससे इस तरह का क्राइम रुका है? हमने खुद अपने यहाँ देखा, कानून तो हर तरह के हैं, चाहे छोटी जान हो चाहे बड़ी जान, चाहे बच्ची के साथ हो क्या किसी बड़ी महिला के साथ हो, कानून है। लेकिन उसको एनफोर्स करने में ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। तो ये फिर एक मैं समझती हूँ कि ध्यान बांटने की बात है कि देखो हम ये कर रहे हैं, जो आपके पास ऑलरेडी कानून है उसके तहत आपने कितना क्राइम हमारे।
चंडीगढ़ हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव पर रहे वरिष्ठ आईएएस प्रदीप कासनी रिटायर्ड हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनके पूरे कार्यकाल में खट्टे अनुभव ज्यादा रहे हैं। कासनी ने कहा कि इस सरकार में उनके फैसलों पर सरकार ने मोहर नहीं लगाई है और यही कारण है कि वो हमेशा से सरकार के निशाने पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे कार्यकाल में 70 से ज्यादा तबादले उन्होंने झेले हैं, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से सभी कामों को पूरा किया है। कासनी ने कहा है कि सरकार ने उनका तबादला ऐसी जगहों पर कर दिया जहां पर ना तो चपरासी और ना ही कोई ऑफिस और ना ही कोई बजट है। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने संयम से काम किया, संयम नहीं खोया। कार्य के दौरान ही उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्हें यकीन है कि अदालत उन्हें एक जो है उनका जो उन्होंने कहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि अनिल विज अच्छे इंसान हैं और जहां तक रही बात राजनीति में आने की तो उनका कोई मूड राजनीति में आने का फिलहाल नहीं है, बल्कि उन्हें लेखक के रूप में काम करना ज्यादा उचित लगता है। पंचकुला में सूचना जनसंपर्क मंत्री कविता जैन ने बीते दिन सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस मौके पर हरियाणा सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव राजेश खुल्लर भी उपस्थित रहे और इस वेबसाइट के जरिए लोगों को हरियाणा सरकार की भावी योजनाओं, नीतियों, समाज के हित में लिए गए फैसलों जैसे के बारे में इन्होंने जानकारी जो है दी है ताकि लोग भी उस जानकारी को प्राप्त कर सकें। इस दौरान कविता जैन ने बताया कि सूचना जनसंपर्क सरकार का चेहरा है और आमजन और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल युग में बच्चे भी नई तकनीकों से भली भांति परिचित हैं और इसीलिए वेबसाइट लोगों तक बात पहुंचाने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है। उन्होंने वहां पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवगत कराया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक हर जिले में मीडिया सेंटर स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी को 10-10 लाख रुपए की राशि दे दी गई है जिससे सूचना जनसंपर्क विभाग को मजबूती मिल पाएगी। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने कहा है कि क्रांतिकारियों ने जो देश की आजादी का जो सपना देखा था उसे नेताओं ने ध्वस्त कर दिया है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में उन्होंने कहा कि देश के सभी दल जनता का पैसा हजम करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर जनता ने उन्होंने 2019 में मौका दिया तो वो इस व्यवस्था को बदल देंगे और क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं के दर्शन करने थे और कुछ लोगों की समस्याएं थी छोटी मोटी, उनको निपटान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में उसको रखा हुआ था। मेरा तो सिर्फ ये है कि उस सपने को जो क्रांतिकारियों देशभक्तों ने देखा था कि ये देश हरा भरा हो, लेकिन आज देश के लंबे 70 साल की राजनीति के बाद ऐसा लगा कि राम नाम जपना पराया माल अपना, उस सपने को कैसे काट दिया जाए और कैसे सबको सिमिलरिटी के तहत एक परिवार एक रोजगार, हम दो हमारे दो, 100% आरक्षण और किसान मजदूर को इकट्ठे जोड़ करके हम एक बड़ी सुदृढ़ रोजगार नीति लाए। हमारे देश में हर साल सीवरेज की सफाई करते समय सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने केंद्र सरकार को देश में सीवरेज की सफाई के लिए मशीनों का प्रयोग करने का प्रस्ताव जो है उसे मंजूरी के लिए भेजा है। बुधवार को कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मनहर बालजी भाई झाला ने कहा है कि इस प्रस्ताव के मंजूरी मिलने के बाद हाथ से सीवरेज की सफाई को जो किया जाता था उसे अब बंद कर दिया जाएगा और इसके अलावा आयोग राज्यों में सफाई कर्मचारियों में जागरूकता लाने, स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल कैंप और सफाई कर्मियों के अधिकारियों को सुरक्षित रखने की भी एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। चलिए हरियाणा हलचल की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।